शाहजहांपुर की बहुचर्चित ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पीड रोड लाइन्स पर आज सेल्स टैक्स विभाग की टीमों ने छापेमारी की। इस छापेमारी का नेतृत्व ज्वाइंट सेल्स टैक्स कमिश्नर बरेली ने किया। छापेमारी के दौरान विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी तथा भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। यह छापेमारी कई घंटे तक जारी रही। विभागीय अधिकारियों ने पुख्ता जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है, परंतु सूत्रों से पता चला है कि छापेमारी करने वाली टीम को सूचना मिली थी कि उक्त ट्रांसपोर्ट पर बिल का माल मौजूद है। सूचना के आधार पर सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने माल को चेक किया। विभाग के अधिकारियों ने कई घंटे तक उक्त ट्रांसपोर्ट के गोदामों में तलाशी ली और कई नगों का दस्तावेजों के साथ मिलान किया। साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर बरेली ने बताया कि जांच की जा रही है, अगर जांच में बिना बिल का माल पाया गया तो माल जब्त करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट में कुछ माल आ रहा है इस तरह का जो बिना बिल पेपर पर्चे के है या बिल सही नहीं होते हैं, तो उसके आधार पर सूचना मिलने पर जो है हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब हैं उनके निर्देश पर कार्रवाई होती है। तो सर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कितना माल है, सब इन्वेंटरी बनाई जा रही है सर, क्या आधार पर कार्रवाई होगी सर, क्या कमियां पाई गई हैं यहाँ पर? कमियां क्या, अभी जांच चल रही है, ये तो देखा जाएगा। इन्वेंटरी बनाई जा रही है पूरी, और इन्वेंटरी बना करके जितना माल है उसमें ये देखा जाएगा कि किसके पेपर हैं किसके नहीं हैं। जो पेपर सही होगा, सही कई वे बिल होगा इनका, या बिल सही होंगे ठीक है उनका, बाकी जो नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर सिक्योरिटी जमा कराई जाएगी किसी चीज़ का।